अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ और ये मैडम भी रेडी हो गई है। हेलो हेलो। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, ज़ारा भी रेडी हो गई है, नीचे वसीम रेडी हो रहे हैं। बस यहाँ पर मुझे कुछ सामान वगैरह लेके जाना था, नीचे लेके जा रही हूँ और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अभी लाहौर। तो बाकी जो भी जर्नी है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ और कौन जा रहा है वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अभी बस हम लोग घर से निकलते हैं अभी ज़ारा। तो अभी बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, रात 12 बजे की ट्रेन है। अभी हम लोग डायरेक्ट हैदराबाद जाएंगे और हैदराबाद से फिर हम लोग आगे जाएंगे लाहौर। और जो भी ब्लॉग होगा देखते रहें। ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो लेट्स गो। मैंने बहुत कंफर्टेबल सा पहना है, यही वाला, ये सफायर से मैंने लिया था, पहले भी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। सफर करना है तो मैंने यही पहन लिया। और ज़ारा को मैंने ये येलो वाली फ्रॉक पहनाई। हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। तो चलें जी, बस निकलते, चलो लेट्स गो। आपने अपना बैग ले लिया टॉयज वाला? लाओ ये मुझे दे दो कैप। ये जी हमारा सारा सामान है। ये पंखा फजूल में चल रहा है, सब अंदर बैठे हैं। मिलते हैं सबसे और फिर चलते हैं। सारा ये मामा को दो, कार्टून देखो अच्छा हो, नहीं देना। घर से जो है वो हम लोग निकल आए थे और हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया था ज़ोया लोगों के घर पे क्योंकि हमारी ट्रेन जो है ना वो लेट थी। तो ज़ोया आई हुई थी अपनी नानी के घर पे, तो हम लोग चले गए थे ज़ोया के नानी के घर पे ज़ोया के साथ मिलने। और उसके बाद तो बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी ट्रेन का टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है। मेरे भाई और बाबा आए थे हमें ड्रॉप करने के लिए, वो ड्रॉप करके हमें जो है वो बस जा रहे थे। और यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट थी और चाय थी, तो बस चाय पी के हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे। स्टेशन पर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, लोग लारेब लोगों का वेट कर रहे थे, वो लोग हमसे पहले पहुंच गए थे क्योंकि ट्रेन जो है वो टाइम लेट था और वसीम ने हमें बताया ही नहीं था। तो बस अभी हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। अल्लाह हम वहाँ क्यों खड़े थे, यहीं खड़े हो जाते, हवा तो आ रही थी कम से कम। जो है ना वो बैठ गए थे लेकिन हमारे बच्चों ने बैग थी जो है ना वो इतना उदम मचाया। ये देखिए हमने झूला भी अरेंज कर लिया, बच्चों को ऊपर भी पहुंचा दिया, लेकिन स्टिल ज़ारा जो है ना वो सोने का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करी। मुझे था शायद ज़ारा सो जाए तो हम भी रिलैक्स हो जाए। और इसका भी बड़ा मूड ऑफ था क्योंकि वसीम ने इनको गलत ट्रेन का टाइम बताया था, मैंने नहीं बताया ना, मेरी कोई गलती नहीं है। हाय कर दो शांजे, हाय कर फारिस। और ये देखिए आप ज़ारा के काम चेक करें, जाओ जाओ ज़ारा। और ये लारेब लेके आई थी, बल्कि आंटी लेके आई थी, लारेब नहीं लेके आई थी। ये कच्चे कीवे की टिक्की है और ये शामी कबाब जो कि हमने खा लिया। अच्छा, जो कि चिकन की है ना। हाँ ओके। ये आप टाइम चेक करें, 3:45 हो गए, ज़ारा अभी तक नहीं सो रही है। ये लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे और ये बच्ची नहीं सो रही है। देखे ये है लाइफ ऑफ फादर। ज़ारा मस्त जाके सोई, क्या टाइम हो रहा है लारे, टाइम क्या हो रहा है? 3 बजे अब जाके सोइए। यहाँ पे ज़ारा सो रही है बड़ी मुश्किल से, बड़ा तंग कर रही थी। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, आंटी सो रही हैं, ये लारेब है, हेलो हाय, वो फवाद भाई और वसीम वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग उतरे हैं रोड़ी पे, यहाँ पे इनका जो है वो कितने मिनट का स्टे, आधे घंटे। और हम सुबह उठ के जो है ना वो टेंट लगा रहे हैं, आप चेक करें। हम लोग सोए भी लिए हैं, वसीम के साथ आए हम लोग। ये लोग चाय पीने के लिए आए, मैं तो चाय पीऊँगी नहीं, पानी पीऊँगी या जूस पीऊँगी। तो ये लोग चाय पीने के लिए आए और यहाँ पे रोड़ी पे रुके ही आधा घंटा। हमने कहा यार करते हैं और कुछ जो है वो खाते पीते हैं। सारा जो है वो सो रही है, फवाद भाई सारा के पास है, बाकी सब लोग। कैसी है चाय? परफेक्ट, बहुत बनेगी। अच्छा, ये चाय पसंद आ गई है इन लोगों को, चाय पसंद आ गई जिसके लिए ये लोग स्पेशली जो है वो उतर के नीचे आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जूस पीऊँ कि आइसक्रीम खाऊं। मैंने आइसक्रीम ली है, ये लोग चाय पी रहे हैं।
जारा भी सो रही है, फारिस भी सो रहा है, शांजे भी सो रही है, आंटी भी सो रही है, हम लोग अभी अभी जो है वो आए, रोड़ी रुकी थी, हमें मजा आया ना उसे देखने, कितना फ्रेश फील किया हम लोग। फवाद भाई को यहाँ छोड़ के गए थे जागने के लिए, क्योंकि जारा जो है ना वो सो रही थी लेकिन उठ गई, लेकिन फवाद भाई ने यहाँ पे तकिया रख के फिर से सुला दिया। तो अभी हम लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर हम लोग भी सोते हैं, सही कह रही हूँ? हाँ यार, अब सोते हैं थोड़ा। हम लोग भी सोते हैं, खा पी लेंगे, सो जाएंगे। और अभी वैसे भी नेक्स्ट स्टॉप जो है वो बहुत दूर है, तो आई होप कि अब ज़ारा ना उठे और हम लोग आराम से सो जाएं। स्लो बोल रहे हैं ताकि ज़ारा ना उठ जाए। चलें जी, बाय बाय। क्या कहते हो ज़ारा को? देखो कार्टून देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 9:37 और ज़ारा मैडम उठ गई है, खेल रही है, और आंटी भी उठ गई है। ये फारिस है, ये आपके जितना ही है छोटा सा। अभी ज़ारा को मैंने खाना वगैरह खिला के फ्रेश करके यहाँ पे रेडी कर दिया है और ज़ारा ये व्यू एंजॉय कर रही है। ज़ारा बाय बाय, बाय बाय ज़ारा। चलें जी, मैं जाती हूँ, ज़रा ज़ारा के फीट वगैरह वॉश करके आते हैं हम लोग। लाइन का एक्सपीरियंस इस दफ़ा खाने का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, नाश्ता भी अच्छा नहीं था, और नाश्ते में सिर्फ इन लोगों ने हमें पराठा और अंडा दिया था, और पराठा ऐसे था, फारिस चुप करोगे एक मिनट, और पराठा ऐसे था जैसे रबड़ हो, ना उसके साथ कोई ब्रेड थी, ना बटर था, ना जैम थी, कुछ भी नहीं था। और अभी जो खाना है लिटरली ठंडा है, और रायता जो है ना वो ख़राब है, बहुत पुराना है, खाने का कोई टेस्ट नहीं है। तो खाने की तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो अभी हम अपना जो बना के लेके आए थे उसमें से देखते कुछ खाते हैं, बट खाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इस दफ़ा दो दफ़ा ट्रैवल किया, दोनों दफ़ा अच्छा रहा है, बट इस दफ़ा अच्छा नहीं रहा। हमने सिर्फ ये दो लिए थे और कोई भी नहीं खा रहा है। जा रहा अगर ग्रीन लाइन का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो आंटी कह रही है कि मुझे खाने का ऑर्डर दे दो, ग्रीन लाइन का बहुत अच्छा खाना सर्व करूंगी मैं। और आपने क्या खाया? हाँ, नो डाउट, आंटी ने बहुत मजे के कल जो है वो कबाब बनाए थे और साथ में कीमे वाली टिक्की। हालांकि इवन कि ये गुलाब जामुन भी फ्रेश नहीं है यार। अम्मी खाओ, नहीं बेटा आवाज चल रही नहीं, आप खाए मुबारक हो आपको बहुत। हमने कहा गुलाब जामुन ही खा लेते हैं, क्या पता वही फ्रेश हो, लेकिन गुलाब जामुन भी लगता है कि बहुत दिन से इन्होंने रखे हुए, बहुत दिन का, कोई फ्रेश नहीं है, मतलब बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है खाने का। लारेब सब बच्चों को इंटरटेन कर रही है। नहीं, अभी हम आंटी की स्पेशल बिरयानी, अच्छा हलवा भी है। देखें, ट्रेन वालों ने हमें गुलाब जामुन दिया, आंटी फ्रेश हलवा लेके आई, और साथ हमारे पास कोरमा भी है और बिरयानी भी है। ये ज़ारा खेल रही है, कैसा बना है? बेहतरीन, मजे का है, कमाल कर दिया। चले बस आंटी, मैं ग्रीन लाइन वालों से भी बात करती हूँ। ये हम लाहौर पहुँचने वाले हैं, बजा के दिखाएं ज़रा। इस ट्रेन में सब हुआ है, बाल बांधे, खाना खाया है, पोटियाँ धोई है, सब कुछ किया है हमने। और अभी यहाँ पे आखिर में जो है वो शांजे का हेयर स्टाइल बन रहा है। फाइनली ज़ारा सो गई, फाइनली पहुँच गए हैं लाहौर, और इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि हम आज इस्लामाबाद ही रुकेंगे या फिर हम लोग जो है वो लाहौर रुकेंगे या इस्लामाबाद जाएंगे, अभी कुछ नहीं पता। अब लेट्स सी कि आगे का क्या प्लान है। अभी ज़ारा को बिठाया हुआ है और ये कूली बैग वैग भी लेके जा रहे हैं, वसीम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे कूली से ज़ारा उसका लारेब का सारा लगेज टूट गया है। मैंने तो दिखा दिया वहीं जब टूटा था। इसके बाद हमने गाड़ी चेंज करनी है, फिलहाल हम गाड़ी रिसीव करने जा रहे हैं। ये देखिए हालात चेक करें, मेरी गोदी में फारिस बैठे, अपनी मामा की गोदी में नहीं बैठे क्योंकि उनको पता है आज बैग टूटा है, आज मैं इधर बैठूंगा, और हेड जो है वो फिलहाल फवाद भाई है इस गाड़ी के।
स्टेशन से सीधा हम लोगों ने जो है वो एक गाड़ी ली और फिर हम लोग पहुंच गए रेंटल कार के पास, और रेंटल कार से हम लोगों ने एक यहाँ पे बड़ी गाड़ी ली और ये गाड़ी करवा के भी हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि हमें डायरेक्ट ट्रेन जो है वो इस्लामाबाद की मिली नहीं, बुकिंग ऑलरेडी फुल थी, हमें सिर्फ लाहौर तक की मिल रही थी तो हमने वहीं तक की करवाई। पहले हमारा प्रोग्राम था लाहौर में रुकने का, लेकिन फिर हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इस्लामाबाद ही। और फिर यहाँ हम लोग रुके थे बहरा पे मेरे ख्याल में, और यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट वगैरह की क्योंकि काफ़ी थक गए थे, तो पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और अभी हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं इस्लामाबाद और वहीं पर रुकेंगे। यहाँ पे हम लोग थके हारे तकरीबन 11 बजे होटल पहुँच गए थे, हम लोगों ने अपने अपने रूम्स लिए, लारेब लोगों ने अपना और हम लोगों ने अपना, और अभी बस ज़ारा भी रूम में आते ही सो गई थी। हम लोग भी बस चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे, खाना ऑर्डर किया, खाना आता है थोड़ा बहुत खाना और फिर खा के सोते हैं। तुम क्यों उठ गई हो? अभी हम लोगों ने पुलाव मंगाया है, ठीक है, और ये आपको मैं अभी टाइम दिखा रही थी ना, ज़ारा वॉशरूम में, ओ मैं वॉशरूम में हूँ और ज़ारा सो रही है, ये उठ गई है। जैसे हमारा खाना है, खाना खा के नमाज़ पढ़ के हम सो जाएंगे। बस पुलाव बस नॉर्मल सा था, भूख थी थोड़ी बहुत, मैंने कहा चलो खाते हैं और उसके बाद बस अभी सोते हैं। व्लॉग इधर ही एंड करी हूँ, व्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, आगे बहुत बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए।